हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इसमें जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और वो धमाकेदार न्यूज ये है कि ये जो कंपनी है अपना जो Q1 का रिजल्ट का डेट है वो अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दे रही है। तो उसे हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर ये जो कंपनी है कब अपना Q1 का रिजल्ट निकाल के देते हुए नजर आएगी। और साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल जो अपना Q1 का रिजल्ट निकाल के देगी उसका जो अभी हाल ही में टारगेट दिया जा रहा है इस वीक का और इस महीने का, उसमें इस कंपनी का पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्या उसे ये हिट करते हुए दिखाई देगी या नहीं। इसके अलावा अगर और भी कोई न्यूज निकल के सामने आई होगी तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आज के कारोबार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल आज लगभग 2.5% की तेजी के साथ ये बंद होते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी है 2.84 रुपये पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करें अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में इस कंपनी ने लगभग 7.5% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। जबकि बात करेंगे आप 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में हालांकि इस कंपनी लगभग 27.5% का निगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे आप 1 महीने के चार्ट पैटर्न तो एक जबकि बात करेंगे आप 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है 23.5% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे आप एयरटेल लेट की, तो ये जो कंपनी है फिलहाल एयरटेल लेट में अपने शेयर होल्डरों को जबरदस्त तरीके से मालामाल किया है और 111% के आसपास का रिटर्न निकाल कर देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे आप 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने कमाल का रिटर्न निकाल कर दिया है और 278 से 79% ये रिटर्न निकाल कर देते हुए दिखाई दे रही है। जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है इस पे जो भी इन्वेस्टर 1 साल पहले भरोसा दिखाए थे उन्हें ये लगभग 300% के आसपास का रिटर्न निकाल कर दे चुकी है। जबकि बात करेंगे इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, ये जो इसका चार्ट पैटर्न जो आपको देख रहे हैं ये बहुत ही डरावना दिखाई आपको देगा, क्योंकि ये जो कंपनी है कभी 100 रुपये के आसपास ये टच करते हुए देखने को मिली थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें लगभग 88% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। और इसमें एक चीज़ और आपको बता दूँ कि इस कंपनी में LIC की भी लगभग 3.5% के आसपास हिस्सेदारी बनी हुई है और उसे भी इस कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट 1 सालों में होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है भले ही इसमें लगा ये 88% का ऑल टाइम ये गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इस कंपनी ने 1 साल में जो भी शेयर होल्डर इसे बहुत ही कम प्राइस पे खरीदे होंगे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रहा होगा। बात करें इसमें जो फाइनेंशियल ऑनऑडिटेड रिजल्ट से संबंधित जो इसका डेट निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अपडेट 6/8 को निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कंपनी जो बोर्ड मीटिंग करते हुए दिखाई देने वाली है वो फिलहाल ये बता रहा है कि इसमें अनएडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट पेश करते हुए दिखाई देगी जो Q1 अभी बीता है उसमें, और ये किस तारीख को पेश करेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डेट इसका दिया गया है 13 अगस्त 2024, अर्थात 13 अगस्त 2024 का जो डेट है इसे याद रखिएगा, क्योंकि इस दिन ही इसका Q1 का रिजल्ट निकल के आता हुआ दिखाई देगा। अगर ये जो कंपनी है अपना जो Q1 का रिजल्ट निकाल के पॉजिटिव में देते हुए दिखाई देती है तो जो अभी हम टारगेट बताने वाले हैं अगस्त महीने का उसे ये हिट करते हुए अपसाइड का जो टारगेट हिट करते हुए दिखाई देने वाली है, लेकिन जो डाउनसाइड का टारगेट है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि ये जो कंपनी है वो पॉजिटिव रिजल्ट देती है या नेगेटिव। अगर नेगेटिव रिजल्ट देती है तो ये कंपनी अपसाइड का टारगेट जो अभी हम बताएंगे वो टच करने से पहले यही ये डाउनसाइड का जो टारगेट है उसे हिट करते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के रखिए और इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए, और जो 13 अगस्त का डेट है उस दिन जो इसका Q1 रिजल्ट निकल के सामने आएगा उसे पढ़ने की कोशिश जरूर करिएगा। और इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि जैसे ही ये Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा 13 अगस्त को, उसके बाद इसका जो ट्रेडिंग विंडो है 15 अगस्त को खुलता हुआ दिखाई देगा, जो कि फिलहाल 1 जुलाई को बंद होता हुआ देखने को मिला था। और ये जो ट्रेडिंग विंडो है फिलहाल इसके जो कंपनी के कर्मचारी अधिकारी के साथ साथ जो इसके प्रमोटर हैं उनके लिए भी ये खुलता हुआ दिखाई देने वाला है, अर्थात 15 अगस्त के बाद इसमें अच्छी खासी हलचल देखने को मिल सकती है।
अगर बात करें इसमें आज के कारोबार की, तो 8 अगस्त का जो ये कारोबार हुआ है उसमें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बीएससी पे ये कंपनी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है वो लगभग 6 करोड़ शेयरों की इसमें ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, और लगभग जो 3 करोड़ जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगभग 47% के आसपास होते हैं। जो ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ट्रेड होने का मतलब ही है कि इसमें कोई ना कोई जो बड़ा प्लेयर है वो इसमें ऑपरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें घुसता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो इन्वेस्टर हैं वो मात्र और मात्र 47% के आसपास की डिलीवरी उठा रहे हैं, और जो ट्रेडर हैं वो 53% के आसपास का जो प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी, क्योंकि ये जो कंपनी है वो फिलहाल ये इसका जो चार्ट पैटर्न दिखा रहा है वो ऑफ साइड से डाउन साइड जाता हुआ रेड में दिखाता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए ये कंपनी बहुत ही ज्यादा रिस्की होते हुए देखने को मिलती है। अगर बात करें इसके अगस्त महीने के टारगेट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी जो इसका टारगेट दिया जा रहा है वो अच्छा खासा ये कंपनी का टारगेट दिया जा रहा है, और वर्तमान में जो ये कंपनी 2.84 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, उसका जो पहला ऑफसाइड टारगेट है वो फिलहाल 4.5 रुपये का ये देते हुए दिखाई दे रहे हैं अगस्त में, और साथ ही साथ जो सेकेंड अप टारगेट है वो फिलहाल 5.25 रुपये पर दिया जा रहा है, जो थर्ड अप टारगेट है वो 6 रुपये के आसपास का है, और जो फोर्थ अप टारगेट है वो फिलहाल 7.20 रुपये के आसपास का देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसका जो अपसाइड का टारगेट है वो 4.5 रुपये से लेके और 7.5 रुपये के आसपास का दिया जा रहा है, और ये जो टारगेट इस आधार पे दिया गया है क्योंकि ये जो कंपनी है जो 13 अगस्त को अपना Q1 का रिजल्ट जारी करते हुए दिखाई दे रही है, ये मार्केट ये मान के चल रहा है कि हो सकता है कि ये जो कंपनी है अच्छा खासा ये अपना Q1 का रिजल्ट निकाल के दे दे, जिसके बाद इसमें अच्छी खासी रैली आती हुई दिखाई दे जाए, और जो वर्तमान में 2.84 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है वो जो फर्स्ट हाफ टारगेट हिट करते हुए दिखाई देगी वो 4.5 रुपये के आसपास दिखाते हुए नजर आ सकती है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर इस कंपनी में गिरावट आती है और इसका जो Q1 का रिजल्ट आना है वो फिलहाल अगर निगेटिव निकल के आता हुआ दिखाई देता है, तो इसमें जो सबसे पहले ये कंपनी जो डाउन टारगेट हिट करते हुए दिखाई देगी वो 2.84 रुपये पे जो वर्तमान में ट्रेड कर रही है उससे सीधा गिर के 2.35 रुपये पे आते हुए दिखाई देगी, और जो सेकंड अप डाउन टारगेट है 1.59 रुपये के आसपास पहुंचते हुए दिखाई देगी, और जो थर्ड अप डाउन टारगेट है 84 रुपये का है, जो फोर्थ अप डाउन टारगेट है -38 रुपये का होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है इसमें ये जो कंपनी है वो 1.59 रुपये से लेके और 7.22 रुपये के बीच में ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है इस अगस्त महीने में। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी है अपना जो Q1 का रिजल्ट निकाल के देती है वो क्या पॉजिटिव निकाल के देते हुए नजर आती है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव निकल के आएगी तो अपसाइड दिखाएगी, और निगेटिव अगर निकल के आती है तो ये डाउन साइड के टारगेट हिट करते हुए देखने को मिलेगी। अब हम अगर बात करें अगले वीक के टारगेट की, तो चूंकि ये जो कंपनी है फिलहाल एक ही इस वीक में एक ही दिन बचा हुआ है, और अगला जब वीक शुरू होगा तो उसमें जो सबसे पहले टारगेट हिट करते हुए दिखाई दे सकती है वो 3.23 रुपये का, उसके बाद 3.48 रुपये का, उसके बाद 4.73 रुपये का, 3.73 रुपये का, उसके बाद 4.13 रुपये का ये अपसाइड दिखाते हुए नजर आ सकती है। और चूंकि ये जो कंपनी है वर्तमान में 2.84 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, तो अगर इस कंपनी ने अपना Q1 का रिजल्ट अच्छा निकाल के दे दिया तो ये सभी के सभी टारगेट ये उसी वीक में यानी आने वाले जो वीक शुरू होगा उसमें ये हिट करते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर इसका Q1 का रिजल्ट अगर खराब निकल के आया तो ये जो डाउन साइड का टारगेट है पहले 2.53 रुपये का, 2.28 रुपये का और 2.03 रुपये के साथ साथ 1.63 रुपये का ये सभी के सभी हिट करते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के रखिएगा, और इस कंपनी के संदर्भ में जो भी न्यूज निकल के सामने आती हैं, चाहे वो Q1 का रिजल्ट से संबंधित न्यूज हो या इसके अलावा अदर न्यूज हो, उन सब पे सबको पढ़ने की डिटेल में कोशिश जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।